हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करंट स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ देने वाला हूं। फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे आरआरसी ग्रुप डी का फॉर्म भरे थे 2019 में, उन सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आ गया हूँ, खासकर से इस जून के जो भी बच्चे फॉर्म भरे थे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आगे इस वीडियो में कि क्या इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ आप लोगों को इस वीडियो में मैं आप लोगों को। तो ठीक है, वीडियो को बस लास्ट तक देखिएगा आप लोग। वीडियो अच्छी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, फाइनली इस जून से ना एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल के आ गई है। देखिए, जैसे ही आप लोग आरआरसी देखिए ईआर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे ना, देखिए जितने भी बच्चे आरआरसी कोलकाता जोन से फॉर्म भरे थे ना, कोलकाता आरआरबी से, ठीक है, उन सभी बच्चों के लिए एक न्यूज़ आ चुकी है। और यहाँ से बहुत सारे बच्चों का, जो कि कई कई स्टूडेंट्स का यहाँ से री मेडिकल के लिए ना लिस्ट जारी कर दिया गया। देखिए, मैं आप लोग बता दूं कि आप लोग जो आरआरसी कोलकाता के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, तो आप लोग यहाँ पर देखिए आरआरसी ईआर करके नोटिस बोर्ड के सेक्शन में जाइएगा। और नोटिस बोर्ड के सेक्शन में जाएगा, यहाँ से दो नोटिस पब्लिश हुई है, ठीक है। एक नोटिस देखिए, आप लोगों को मैं दोनों नोटिस के बारे में बताऊँगा कि कितनी किस किस स्टूडेंट्स का नोटिस पब्लिश किया गया है, किसका री मेडिकल होने वाला, क्या कुछ होने वाला, सारा कुछ वीडियो में डिटेल आप लोग को बताऊँगा। बस आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, मैं आप लोग बता दूं, देखिए यहाँ से नोटिस रिगार्डिंग री मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ टेम्प्रेरी अनफिट कैंडिडेट्स अगेंस्ट CENRRC 01/2019, यानी कि 01/2019 आरआरसी लेवल वन ग्रुप डी का पोस्ट के लिए नोटिस आई हुई है। और री मेडिकल के रिगार्डिंग दोनों नोटिस आई हुई है। और दो जो कि मैं दोनों इस पीडीएफ फाइल को ओपन करके दिखा रहा हूँ, और इस दोनों का पीडीएफ फाइल आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन करके आप लोग पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे ही रेलवे भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग को मैं इस पीडीएफ फाइल दोनों ओपन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इस पीडीएफ फाइल की मैं बात करता हूँ। देखिए, इस पीडीएफ फाइल को ओपन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। चलिए, तो देखिए मैंने ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लिया आप लोगों को। इसमें मैं संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दूंगा, क्या चीज़ है, क्या डिटेल दिया गया। देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट सेंटर ईस्टर्न रेलवे CRNX कोलकाता, जो कि ये हेडक्वार्टर है आरआरसी का, ठीक है, आरआरसी कोलकाता का, ठीक है, 9/4/2024 के डेट में पब्लिश किया गया आप लोगों का, आज के डेट में पब्लिश किया गया। और देखिए क्या पब्लिश किया गया, री मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ टेम्प्रेरी अनफिट कैंडिडेट्स अगेंस्ट CENRRC 01/2019, यानी कि जितने भी बच्चों का ये नोटिस आया है ना, ये री मेडिकल के रिगार्डिंग आया है। क्या आया है नोटिस, मैं आप लोगों को पूर्व बता रहा हूँ, आप लोगों को किस किस बच्चों का री मेडिकल आया है मैं आप लोगों को कंप्लीट लिस्ट दिखाऊंगा आप लोगों को। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। और आप लोग मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। देखिए क्या बताया गया, आफ्टर द फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज CENRRC 01/2019 कैंडिडेट्स वेयर सेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, अमॉन्ग दैम सम ऑफ द कैंडिडेट्स डिक्लियर टेम्प्रेरी अनफिट, मतलब कुछ कैंडिडेट अनफिट किए गए थे जिनका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया था और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स अनफिट कर दिए गए हैं फ्रॉम द रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल के द्वारा, ठीक है। हाउएवर द बिलो मेंशन कैंडिडेट वे आर नॉट गिवन माई रिटेन एडवाइस टू अटेंड हॉस्पिटल विद इन 6 मंथ्स ऑफ, देखिए बोलेगा 6 मंथ्स ऑफ दियर इंटीसेंस एग्जाम मेडिकल एग्जामिनेशन डेट, हैंस द कम्प्लीट देखिए हैंस द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज डिसाइडेड टू गिव देम अनदर चांस ऑफ री मेडिकल, मतलब सभी बच्चों का एक और चांस दिया जाता है री मेडिकल के लिए। द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर नियर बाई इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग, देखिए बोला गया है कि इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज, यानी कि आप लोगों को फिर से जितने भी बच्चों का लिस्ट में नाम रहेगा ना, उन सभी बच्चों को फिर से री मेडिकल के लिए बुलाया गया। लेकिन री मेडिकल से पहले आप लोगों को सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को और उस पर सेल्फ अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है आप लोग अपने डॉक्यूमेंट का जीरोक्स कीजिएगा, उसमें कहीं खाली पेज अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, वही सेल्फ अटेस्टेड हो जाता है, ठीक है। तो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसके साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड 8 कॉपीज फोटो, देखिए फोटो कॉपी 8 फोटोग्राफ्स, यानी कि 8 कॉपी आप लोगों को फोटो लेके जाना है, ठीक है, जो CBT के टाइम पे दिया गया। आप लोग रिसेंट पासपोर्ट साइज भी लेके जा सकते हैं आप लोग। एट द ऑफिस ऑफ आरआरसी ईस्टर्न रेलवे फर्स्ट फ्लोर, आप लोग ये चीज नोट कर लीजिएगा, आप लोग कहाँ लेके जाना है ये सारा चीज आप लोग को री मेडिकल से पहले एक दिन पहले, और किस डेट को लेकर जाना है ये भी मैं डेट आप लोग को बताऊंगा अभी। बस आप लोग वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के लास्ट तक देखिएगा, देखिए आप लोग किस एड्रेस पर लेकर जाना है ये सारा चीज। तो आरआरसी ईस्टर्न रेलवे फर्स्ट फ्लोर RITES बिल्डिंग 56 चितरंजन NX कोलकाता, ठीक है,
07001 नियर सेंट्रल मेट्रो रेलवे स्टेशन ऑन 15 अप्रैल, यानी कि 15 अप्रैल को आप लोग को इस जो कि एड्रेस है इस पर रिपोर्ट करना है। आप लोग अपने 8 फोटो के साथ और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जीरोक्स कॉपी और सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी होना चाहिए। इस सभी के साथ आप लोगों को इन सभी चीज़ों के साथ आप लोगों को अपने जो कि इस एड्रेस पे रिपोर्ट करना है, 15 तारीख को रिपोर्ट करना है। फॉर फर्दर प्रोसेस एंड टू बी रिगार्डिंग रेडीनेस टू स्टे इन कोलकाता एरिया ऑफ फर्दर 2 से 3, आप 2 से 3 दिन रहने खाने का व्यवस्था आप लोग करके आएंगे। री मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैज़ बीन शेड्यूल ऑन 16 अप्रैल 2024, 16 अप्रैल 2024 को सभी बच्चों का री मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। तो ये मैं आप लोगों को बहुत बड़ी न्यूज़ दे रहा हूँ फ्रेंड्स, और जितने भी बच्चों का इस लिस्ट में नाम होगा उन सभी बच्चों को 15 तारीख को इस एड्रेस पर रिपोर्ट करना है सभी बच्चों को। और कौन कौन से बच्चों को रिपोर्ट करना है तो ये देखिए मैं आप लोगों को डिटेल बता देता हूँ। अभी और सारी लिस्ट है, मैं दो लिस्ट आई है इस जोन से, मैं दोनों लिस्ट दिखाऊंगा, ठीक है। अभी इस लिस्ट में 6 कैंडिडेट का नाम है। देखिए, द फॉलोइंग कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिपोर्ट RRC 15/4/2024 जो कि है पॉजिटिवली एट 10 AM, ठीक है। सुबह 10 बजे आप लोगों को रिपोर्ट करना है 15 तारीख को, और सभी डॉक्यूमेंट के साथ इन सभी कैंडिडेट को, 6 कैंडिडेट आए हैं। देखिए, इनका नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है, और इनका री मेडिकल एग्जामिनेशन 16 तारीख होगा, लेकिन 15 तारीख को रिपोर्ट है उस एड्रेस अपने डॉक्यूमेंट के साथ में, ठीक है। और री मेडिकल कहां पे होगा, तो वेन्यू बताया गया है, VR सिंह रेलवे हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है, ठीक है। VR सिंह रेलवे हॉस्पिटल रिपोर्ट करना है सभी बच्चों को। ये सभी बच्चे भी, इनका दोबारा से मेडिकल एग्जामिनेशन होगा VR सिंह रेलवे हॉस्पिटल में होगा, 16 तारीख को मेडिकल होगा, ठीक है। और इन सभी बच्चों का लिस्ट में नाम दिया दे रखा है, तो सभी बच्चे अपना देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, इनका जैसे कि मान लीजिए दिनेश कुमार पंडित हैं, ये इनका रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और नेम ये है। ये शिवांगी कुमारी, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, नेम ये है। ऐसे ही नंदिनी विश्वास है, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, और इनका 16 तारीख को मेडिकल है, और मेडिकल है, और उसके बाद से BR सिंह रेलवे हॉस्पिटल में इनका मेडिकल होना है, इन सभी 6 बच्चों का, ठीक है। लेकिन 16 तारीख से पहले आप लोग को जो ऊपर एड्रेस मैं आप लोग को दिखाऊँ, इस एड्रेस पर आप लोग को रिपोर्ट करना है 15 ही तारीख को, एक दिन पहले 16 तारीख, यानी 15 तारीख को आप लोग को रिपोर्ट करना है, ठीक है। इस एड्रेस पर अपने 8 कॉपी फोटो के साथ, और जो कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसके जीरोक्स के साथ में सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि जीरोक्स के पर सिग्नेचर कर दीजिएगा, वही सेल्फ अटेस्टेड होता है। बाकी ये सारा कुछ डिटेल बताया गया है कि इफ़ एनी सच अबव मेंशन कैंडिडेट फेल टू अटेंड ऑन द शेड्यूल डेट और डज नॉट सबमिट डॉक्यूमेंट एज पर इंस्ट्रक्शन, ही विल नॉट बी गिवेन एनी फर्दर अपॉर्चुनिटी। मतलब सभी बच्चों के बताया गया, जितने भी बच्चों का ये जो नाम है, ये अगर ये बच्चे टाइम पे और उस डेट पे नहीं रिपोर्ट करते हैं तो उन सभी बच्चों को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, ठीक है। एज दिस दियर लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी एंड हिज कैंडिडेटर ऑफ Level 1 पोस्ट वुड बी टेस्टेड बाई कैंसल, यानी कि ये लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी है, इसी ये इसके बाद से आप लोगों को कोई चांस नहीं दिया जाएगा, इसके बाद से कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा, आप लोगों का कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद आप लोग कुछ आप लोगों का जो कि RRC की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा आप लोगों के ऊपर, इन 6 कैंडिडेट के ऊपर और स्टूडेंट्स हैं इस जोन से RRC कोलकाता जोन के। मैं अभी उसका भी लिस्ट दिखाऊंगा आप लोगों को, इससे पहले ये सारा कुछ आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इन सभी बच्चों को कोई चांस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग इस टाइम पे आप लोग अपना जो भी डेट दिया गया है उस पर रिपोर्ट करना है आप लोगों को, ठीक है। बाकी सारा कुछ यही इंस्ट्रक्शन दिया गया आप लोगों को, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल कॉल है आप लोगों का, ये सारा कुछ बताया गया। नो अपील विल बी इंटर एनी कैंडिडेट स्टैंड कोलकाता, ठीक है, अगेंस्ट, जो कि सारा कुछ डिटेल दिया गया है। और उसके बाद से मैं अभी आप लोगों को एक और लिस्ट दिखा देता हूँ, और दोनों लिस्ट में आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। देखिए, मैं आप लोग को वहाँ से दिखा देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल से। तो देखिए, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा रखा हूँ, देखिए यहाँ पर दोनों लिस्ट मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को, देखिए ये लिस्ट, पहली लिस्ट ये है, ठीक है। मेरे चैनल आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब क्लिक कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल करेंट स्टडी सेंटर सर्च मार लीजिएगा। देखिए, दूसरा PDF फाइल ये है, ठीक है। मैं चलिए इसको ओपन करता हूँ। देखिए इसमें क्या दिया गया, क्या कुछ नहीं दिया गया, सारा कुछ सारा देखिए, इसमें भी वही बात चीज़ बताया गया है। देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, ईस्टर्न रेलवे CN, सारा कुछ वही बताया। री मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ टेम्प्रेरी अनफिट कैंडिडेट, उसके बाद सारा कुछ डिटेल दिया गया है। देखिए, बाकी सारा कुछ ये डिटेल बताया गया है। और उसके बाद से ये चीज़ क्या बताया गया, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यही बोला गया, आफ्टर फर्स्ट डॉक्यूमेंट स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वही सारा कुछ जो मैं आप लोग को बताया हूँ। लेकिन बट इसमें डेट चेंज है, और ये कहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि वे आर सेंड फॉर री मेडिकल एग्जामिनेशन अमॉन्ग विथ, आप लोग का ये सारा कुछ वही सेम है, बट आप लोग का यहाँ से चेंज मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से हैंस द कैंडिडेट कंप्लीटेंट अथॉरिटी ऑफ डिसाइडेड टू अनदर चांस री मेडिकल, एक चांस दे देखिए, यहाँ से आप लोग का चेंज है, ठीक है। द फॉलोइंग
द फॉलोइंग कैंडिडेट आर हियर बाय इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट 8 फोटोग्राफ्स CVT जो कि एट द ऑफिस ऑफ RRC ईस्टर्न रेलवे फर्स्ट फ्लोर, आप लोग को उसी एड्रेस पे इसमें भी रिपोर्ट करना है, ठीक है। बाकी सारा कुछ ऐसे में, लेकिन बस इसमें डेट चेंज है, रिपोर्ट वहीं पर करना है आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए। बस इसमें 12/4 को आप लोगों को रिपोर्ट करना है, यानी इस 12 तारीख को रिपोर्ट करना है आप लोगों को, जो इस लिस्ट में जितने भी बच्चों का स्टूडेंट का नाम है इस लिस्ट में। पिछले वाली स्टूडेंट्स में 15 तारीख को रिपोर्ट करना था इस एड्रेस पर, लेकिन इस लिस्ट के जो भी बच्चों का नेम है इसे 12 तारीख का रिपोर्ट करना है, ठीक है। अभी ईस्टर्न रेलवे का ही स्टूडेंट्स का है, ठीक है। और किस 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 बच्चों का नाम है आप लोगों को मैं अभी डिटेल आप लोगों को दिखाऊंगा, आप किस किस स्टूडेंट्स का नाम है। देखिए बाकी जो 12 तारीख को रिपोर्ट करना है, बट इनका री मेडिकल एग्जामिनेशन जो है ना 22 तारीख को होगा, 10 दिन के बाद से होगा री मेडिकल एग्जामिनेशन। और इनका कहाँ पर रिपोर्ट करना है, कहाँ, तो इसी एड्रेस पर रिपोर्ट करना है, लेकिन री मेडिकल एग्जामिनेशन किस एड्रेस पर होगा तो मैं अभी आप लोग को वीडियो को आगे बताऊंगा, ठीक है। बाकी ये बताएगा 12 तारीख को आप लोग 12 अप्रैल को 10 बजे रिपोर्ट करना है। और कौन कौन से स्टूडेंट है, देखिए पहला स्टूडेंट का मैं आप लोगों का नाम दिखा दे रहा हूँ, देखिए आप लोगों का ये मनोज कुमार साहू है, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और री मेडिकल एग्जामिनेशन ये 22/4 को इनका री मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है और जमालपुर हॉस्पिटल में होने वाला है, जमालपुर रेलवे हॉस्पिटल में होने वाला है, तो आप लोग देख सकते हैं आप लोगों का, ठीक है, जमालपुर रेलवे हॉस्पिटल में जितने इनका होने वाला है। और अभी और सभी स्टूडेंट्स का है, और सभी मैं स्टूडेंट्स का दिखा दे रहा हूँ, देखिए आप लोग मतलब इतने बच्चे स्टूडेंट का इसमें नाम दिया गया, देखिए ये पहला मनोज, इसमें 3 स्टूडेंट्स का नाम है, उसमें 6 स्टूडेंट्स का नाम था, ठीक है। और ये गणेश कुमार महतो हैं, इनका जमालपुर हॉस्पिटल में, इनका भी है। प्रकाश गुप्ता है, इनका भी जमालपुर हॉस्पिटल में, और इनका 22 तारीख को इनका इन तीनों बच्चों का होने वाला है, लेकिन जमालपुर हॉस्पिटल में होने वाला है, ठीक है। बाकी इन सभी बच्चों को भी वही इंस्ट्रक्शन दिया गया, लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी है Level 1 पोस्ट के लिए, इसके बाद अगर आप लोग नहीं रिपोर्ट करते हैं इस डेट पर, तो आप लोग का कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा, रेलवे की तरफ से रद्द कर दिया जाएगा, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा आप लोगों की तरफ से, कोई भी अपील नहीं किया जाएगा आप लोगों की तरफ से, ठीक है। और बस ये आप लोगों को समझ लिया, फाइनल एंड लास्ट चांस दिया गया है, इस डेट में आप लोगों को रिपोर्ट करना ही करना है, नहीं कीजिएगा तो आप लोग रेलवे की नौकरी भूल जाइए, उसके बाद से आप लोगों का कोई आप लोगों का कार्रवाई नहीं की जाएगी, रेलवे आप लोगों का कैंडिडेट रद्द कर देगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में रेलवे ईस्टर्न रेलवे के बारे में संपूर्ण जानकारी बताया, अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और इसका PDF फाइल आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर दीजिएगा करंट स्टडी सेंटर, और फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, या फिर रेलवे से भर्ती कोई रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं हर एक भर्ती से रिलेटेड को अपने चैनल पर नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराया करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग चलिए वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।